ये प्रचार में ईमानदार सरकार है, ईमानदार सरकार। ईमानदार कैसे है? इस सरकार ने तो 5,000 करोड़ रुपया खदानों में चोरी करने का काम किया है। इनके खुद अधिकारी 70-70 लाख रुपए नकद के साथ पकड़े जाते हैं, फिर भी ईमानदार सरकार। 1,000 करोड़ रुपया किलोमीटर स्कीम में इनकी सरकार इन्वॉल्वमेंट हुई। साथियों, इनने तो हाई कोर्ट में माना कि 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ, घोटाला हुआ। साथियों, ये बिजली के मीटर दुकानों के बाहर इस मंडी में देखोगे लगा दिए, गांव दर गांव जाकर। तो मेरे वर्ग के आदमी का जिसका बिजली का बिल 500 रुपया आया करता था, 700 रुपया आया करता था, आज गुजरात की कंपनी के मीटर दरवाजे के बाहर लगा दिए और अब उसका बिल आता है 2,500, 5,000, 6,500। साथियों, ईमानदार कैसे है? जिस सरकार ने 100 करोड़ रुपए तो मीटरों की धांधली बिठाने का काम किया। साथियों, ईमानदार कैसे है? इनसे पूछो, SC ST बच्चों की छात्रवृत्ति 4 दिनों का भी रिकॉर्ड चेक हुआ है और 24 करोड़ रुपया 4 दिनों के अंदर इनकी सरकार ने खाने का काम किया। ये ईमानदार कैसे है? साथियों, इनने तो प्रदेश को अंदर ही अंदर जात पात धर्म मजहब के नाम पर खोखला दिया। मौका तो आपके पास। आज कई पत्रकार साथी सुबह से पूछ रहे हैं मेरे से कि आप बीजेपी की बात करते हो, उनका संकल्प पत्र आया है, उस संकल्प पत्र के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं तो एक वाक्य जरूर आपके साथ साझा करूंगा। हरियाणवी में एक कहावत है कि छोरा स्कूल से पेपर दे के आया, बाबू ने पूछा कि छोरे पेपर कैसा हुआ? छोरा कहता, बाबू लट्ठा बांट के आया हूं। और अगले दिन पता चलता है छोरा फेल हो गया। अगले साल फिर पेपर होता है, छोरा फिर खुश होकर घर आता है, बाबू पूछता है कि छोरे पेपर कैसा हुआ? छोरा फिर कहता है लट सा गाड़ दिया। उसके बाद बाबू एक चीज करते कहता है कि भाई खट्टर साहब की तरह 5 साल पहले लट गाड़ा था, वो घर तुम्हारा पढ़ के लिया है या नया लट गाड़ के आया है? साथियों, आज खट्टर साहब की हालात है, संकल्प पत्र निकालते हैं, संकल्प पत्र में झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट प्रदेश में लागू कर दी। ये पत्रकार साथी बैठे हैं, मंडी में बैठा हूं, बताओ जीरी वाले किसान की आय दुगनी हुई है नहीं हुई? साथियों, आप सब जीरी लेकर आए हो, बता दें पत्रकार साथियों को हाथ बताकर कि क्या जीरी की इनकम दुगनी हुई? जीरी की इनकम तो दुगनी नहीं हुई, मगर एक चीज आप लोगों के साथ बता सकता हूं, जीरी दुगनी नहीं कर पाया धनखड़ साहब, मगर धनखड़ साहब की 5 साल में आय 5 गुना होगी, ये तो उनका एफिडेविट बताता है। साथियों, किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, ये कृषि मंत्री ऐसे निकले जो अपनी खुद की आय 5 गुना बढ़ा, वित्त मंत्री जो कहता था मैं तो कर्जे से 5 साल पहले कहता था संकल्प पत्र में कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, आमजन के ऊपर जो कर्ज है उसको मिटाएंगे, कर्जे से बाहर प्रदेश को लाएंगे, वो वित्त मंत्री 5 साल में 70,000 करोड़ रुपए से 1,50,000 करोड़ रुपए में प्रदेश के कर्ज को उठा ले गया। साथियों, खट्टर साहब क्या लिखते हैं कि स्पोर्ट परिषद के लिए हम क्या करेंगे? इस घोषणा पत्र में कहते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको ट्रैक सूट देंगे। साथियों, खिलाड़ी को ट्रैक सूट की जरूरत है या उनको आज डाइट की जरूरत है, इक्विपमेंट की जरूरत है? साथियों, ये ऐसी सरकार है जो आम खिलाड़ी का भी अपमान करने का काम कर रही है। मैं तो आपको इतना बोलना चाहूंगा कि इस सरकार के अंदर आपके पेवा में घोषणा करी गई थी कि हम यहाँ पर स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। क्या 5 साल में स्टेडियम बन पाया? क्या एक पत्थर भी उसका रख पाया? साथियों, यहाँ पर लड़कियों के कॉलेज की मांग थी, बारी बारी झूठ बोला गया आपके यहाँ सभा करकर, क्या अब तक लड़कियों का कॉलेज बन पाया? साथियों, एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा, इनने एक काम 5 साल में कर दिया, उतर की बैठी 5 साल में एक काम जरूर कर दिया। हमारा ये शाहबाद का एरिया, पेवा का एरिया बड़ा फर्टाइल एरिया है, इस एरिया के अंदर एक एक साथी आज दिन रात मेहनत कर जीरी लगाने का काम करता है, मगर एक चीज कर दी इस सरकार ने, एक तो प्रतिबंध लगा दिया कि इस जमीन पे जीरी लगेगी, इस पे जीरी नहीं लगेगी। आज हमारे यहाँ पर किसान नया ट्यूबवेल कनेक्शन ना ले ले, अपनी खेती को आगे ना बढ़ा पाए, इस पूरे इलाके को डार्क जोन में डिक्लेयर कर दिया। ये वादा आपके भाई का बेटे का है, राज बना दो, फिर ट्यूबवेल कनेक्शन के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
पिछले दिनों छोटा भाई आए थे, एक आधे दिन में मोटा भाई आएंगे। ये मोटा भाई छोटा भाई की जोड़ी आकर अपराध में बोलेगी कि हमने यहाँ पर इतनी महिला थाने खोल दिए, 5,500 पुलिस वाले में भर्ती कर दिए। पर प्रदेश के हालात क्या है? प्रदेश के अंदर हर रोज एक मर्डर, 3 रेप और 4 डकैती होती है। चेन स्नैचिंग, लूट, चोरी जैसी घटनाओं के तो कोई आंकड़े भी हमारे सामने नहीं है। चाहती है NCR की, जो इनकी खुद का गृह मंत्रालय केंद्र का बताता है, मैं वो आंकड़े आपको बता रहा हूँ। आप खुद सोचो कि आज प्रदेश में ऐसे ज्यादा क्रिमिनल हालात, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को 1% टेंशन भी नहीं। और दूसरे एक क्रिमिनल हालात और है जो किसान के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, शहरी आदमी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, वो है ये आवारा पशु। आज झगड़ों का ऐसा दहशत मची हुई है कि खेत के अंदर किसान पानी लगाने कब खेत में जाता है, वैसे